नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्टाई चैनल पर। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं, यहाँ के माहौल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं उनके कैसे विचार हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? गीता बांसल। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 11 साल से। किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। महिलाएं और बेटियाँ यहाँ पे कितनी सेफ हैं? बहुत सेफ है। किस तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है? शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, अगर कोई लेना चाहे तो बहुत अच्छी मिलती है शिक्षा। कितने मानवता भलाई के काम यहाँ पे किए जाते हैं? 165 मेरे ख्याल में चल रहे हैं। और गुरु जी का व्यवहार कैसा है यहाँ पे आने वाले लोगों के प्रति? गुरु जी का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, अगर कोई माने तो। हम तो बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छे है, बहुत कुछ देते हैं, बहुत इच्छा पूरी होती है। 11 साल से आ रहे हैं, अगर गुरु जी अच्छे हैं जब 11 साल से हम आ रहे हैं। कितने बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के? मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इवन के एक टाइम मेरे पास रोटी भी नहीं थी खाने को, अब मेरे पास सब कुछ है सतगुरु की कृपा से। कितनी ज़रूरत है आज समाज को गुरु जी की? समाज को सबको ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, तो समाज को कैसे बदलाव करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज। और कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है जब आज गुरु जी समाज में नहीं है तो? वही बात, मन तो लगता नहीं है, प्रभाव यही दिखता है बस। अभी बहुत बुराई दिख रही है, चारों पास अंधेरा दिख रहा है। गुरु जी आए तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, दुनिया ही बदल जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील करेंगे भी हमारे गुरु जी का कसूर बताओ, क्या कसूर है? हमारे को तो कसूर कोई नज़र ही नहीं आता, आपको क्या कसूर नज़र आता है? हम तो सरकार से पूछने को तैयार है इस बात के लिए भी, आपको क्या कसूर नज़र आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया कि मानवता भलाई के बहुत सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं, गुरु जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्टाइज।